से तलावत करेंगे। मती की मार्फत लिखी गई जिले मुकदस 28 बाब और उसकी आयत नंबर 6 लिखा है, सुनिएगा गौर से, वो यहाँ नहीं क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, पाकलम के पड़े जाने पर, सुने जाने पर खुदावंद पड़ा था। आमीन 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 आमीन। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया आमीन आमीन। कलाम खुदा में लिखा है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे लिए हुआ। जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे लिए हुआ। और ये जो खुशखबरी है, ये जो अंजील है, ये जो बिशारत है जो हम तक पहुंची है, हमें बताया गया है, हमें सुनाया गया है कि वो जी उठा है। मुकद्दस खवातीन जो यीशु मसीह की पैरोकार थी, जो यीशु के पीछे पीछे चलती थी, जब मसीह मसलूब को जब उस सलीब पर मर गया तो उसको कब्र में रखा गया, तो वो ख्वातीन जो यीशु के साथ साथ खिदमत में रहती थी, वो जब यीशु को सुबह सुबह देखने के लिए कब्र पर गई तो वहां पर उनको खबर मिली, उन्हें खुशखबरी मिली कि वो यहां नहीं है। और कहा गया कि देखो आओ वो जगह देख लो, क्योंकि उनकी आंखों के सामने यीशु को उस खाली कब्र में रखा गया था। इसीलिए फरिश्ता ने कहा कि आओ वो जगह देखो, वो यहां नहीं, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। यीशु मसीह के वसीला से हमारे पास जो खुशखबरी पहुंची है वो माफी और अबदी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। और ये माफी और ये अबदी जिंदगी मसीह मसलूब की मौत के वसीला से मुझे और आपको मिलती है। आमीन। जब हम यीशु मसीह की सलीब पर, उसकी सलीबी मौत पर, उसके कफारा पर ईमान लाते हैं कि यीशु मेरे लिए इस दुनिया में पैदा हुआ, उसने मेरे लिए दुख उठाए, उसने मेरे लिए सलीब का दुख सहा, वो मेरे लिए सलीब पर मुआ, वो मेरे लिए दफन हुआ, वो मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब हम इकरार करते हैं और तस्लीम करते हैं, मान लेते हैं कि खुदा में खुदा मैं गुनाहगार हूं, तो हमें माफी मिल जाती है। जब हम इकरार करते हैं कि यीशु मेरा निजात दहिंदा है,
तो हमें माफी मिल जाती है। और यूहन्ना की इंजील 3:16 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए वो हलाल न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। यीशु की मौत के वसीला से मुझे और आपको सबसे पहले माफी मिलती है। माफी उस वक्त मिलती है जब मैं और आप तौबा करते हैं और ईमान लाते हैं और मसीह में पाक जिंदगी बसर करते हैं, तब हमें हमेशा की जिंदगी मिलेगी। जब मैं और आप यीशु के पीछे पीछे चलेंगे, यीशु पर ईमान रखेंगे। आज हम यीशु मसीह की मौत, उसके जीवने की अहमियत, जिस पर हम ईमान रखते हैं, देखेंगे कि किस तरह से खुदा हमें इसकी अहमियत के मुतल्लक सिखाना चाहता है। और हमें जानने की जरूरत है यीशु की मौत के मुतल्लक, यीशु की शरीर के मुतल्लक, उसके जी उठने की मुतल्लक। मुझे और आपको समझना होगा और हमें इसमें बढ़ना होगा। आमीन। आज का ये दिन हमारे लिए बाइस से बरकत है कि हम जिंदा मसीह की प्रस्तुति करते हैं, हम जिंदा मसीह की हम्द करते हैं, क्योंकि वो अब्दुल अब्बास जिंदा है, जिंदा रहेगा और वो आएगा, वो वापस आएगा। उसकी एक आमदे सानी है, दूसरी आमद है। आमीन। रोमियो का खत 1 और उसकी 4 निकाली, जरा जल्दी जल्दी निकालते जाए क्योंकि बहुत सारा ज्यादा मुआता, लेकिन मैंने उसको 7 किए हैं, कुछ मैंने रात को भी बयान किए थे, लेकिन अगर हम सबको गौर करेंगे तो बहुत वक्त दरकार है। रोमियो बखत 1 उसकी 4 आए थे, पढ़े जी, जिसको मैंने नंबर 1 पाकीज़गी के पास, क्योंकि वो खुदा है, वो पाक है, और जब वो उस कुदरत के साथ जी उठा, क्योंकि वो पाक मुतलक है जिसने ये कहा था कि क़यामत और जिंदगी में वो जी उठा, मौत के बंद खुल गए और कुदरत के साथ वो खुदा का बेटा ठहरा। इसलिए मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में उसकी मौत की बड़ी अहमियत है, ताकि मैं और आप समझ सकें कि यीशु की कदमी क्या है, सिंचाई क्या है। और इसलिए यीशु ने कहा था कि पस जब तुम सिंचाई से वाकिफ होगे तो सिंचाई तुम्हें आजाद है। हमें सच्चाई से वाकिफ होना चाहिए, हमें सच्चाई को जानना चाहिए, हमें सच्चाई की जिंदगी बसर करना चाहिए और सच्चाई ही को बयान करना चाहिए। आमीन। यीशु मसीह की मौत दूसरी बात है, दूसरे हम पॉइंट पर आते हैं, ये हमारे गुनाहों की खातिर उसकी मुअस्सर मौत की जमानत, हमें उसकी मौत यीशु ने मेरे और आपके लिए जमानत देती है। किस चीज की? नंबर 1 माफी की। आपको माफी की जमानत मिल जाती है कि यीशु आपके लिए मुआ है, यीशु ने आपके लिए खून बहाया है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं है। मुझे और आपको बैलों, बछड़ों, बकरों और तरह तरह के जानवरों के खून से मखलसी नहीं मिली,
मुझे और आपको यीशु के पाक खून से मखलसी मिली है, बेऐब लहू से मखलसी मिली है। मेरे पास और आपके पास जमानत है कि आपके गुनाह माफ हो चुके हैं, आपके गुनाह, मेरे गुनाह, दुनिया के माजी के लोगों के गुनाह और आने वाले लोगों के गुनाह, जो इकरार करेंगे, जो तौबा करेंगे, उनके गुनाह ऐसे दूर फेंक दिए जाते हैं जैसे पूरब से पश्चिम। हालेलुया, यीशु की मौत हमारी माफी की जमानत है और तस्दीक की जाती है कि हम बहाल हैं। उसने हमें बहाल कर दिया है, उसने हमें क्या कर दिया है, बहाल कर दिया है। रोमियों 6:4 उसकी 4 आयत निकाले जल्दी से, पहले क्रंथियों 15:5 उसकी 17 आयत निकाले, रोमियों 6:4 आयत, पहले क्रंथियों 15:17 आयत, जिसको मिल जाए पढ़ जाए। रोमियों 6:4 है, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। आमीन, आमीन। जब मैं और आप तौबा करते हैं, जब हम यीशु को कबूल करते हैं और जो खुदावंद ने फरमाया कि पस तुम जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप बेटे और रोल को उसके नाम से बपतिस्मा दो, तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो जब हम उस पानी में नीचे जाते हैं, तो हम उसकी मौत में शामिल होते हैं, और जब हम पानी से बाहर निकलते हैं, तो हम उसकी अबदी जिंदगी में, हमेशा की जिंदगी में दाखिल होते हैं। हालेलुया। तो हमें जब मसीह में चलना है, जब हमने मसीह को पहन लिया है, जब हम नए मखलूक बन गए हैं, नए सिरे से पैदा हो गए हैं, तो हमें मसीह में पाक जिंदगी बसर करना है। आमीन। हाँ जी, पहला क्रंथियों, किसी ने निकाला, पहला क्रंथियों 15:17 है, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। आमीन। अगर मसीह नहीं जी उठा, आपका ईमान क्या है? लेकिन मसीह की मौत, उसकी खाली कब्र, उसका खाली कफन मुझे और आपको ये बात बताता है कि बहनों और भाइयों, ए लोगों, ए उम्मतों, ए कबीलों, ए कौमों, सुन लो, यीशु मर गया था, अब वो जिंदा है। और जब हम इस ईमान में जिंदगी बसर करते हैं कि यीशु जिंदा है, जिसने ये कहा था कि जो मुझ पर ईमान लाएगा वो मर भी जाए तो वो जिंदा रहेगा, हम खुदा का शुक्र करते हैं। हमारा ईमान बेफायदा नहीं है, हमारे ईमान के बड़े फायदे हैं। हम सब इस पर ईमान रखते हैं, आप ईमान रखते हैं इस बात पर? ईमान रखते हैं आप? मसीह की मौत खुदा के कलाम की सच्चाई की तस्दीक करती है, मसीह की मौत खुदा के कलाम की जो सच्चाइयां हैं उनकी तस्दीक करती है। सबूत 16:10 आयत, अमाल 2:31 आयत, जल्दी से सबूत 16:10 आयत, अमाल 2:31 आयत, जो निकाल ले जल्दी से पढ़ो। ये तीसरी बात मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, क्योंकि तू ना मेरी जान को पताल में रहने देगा और ना अपने मकदस को सड़ने देगा। आमीन जी। अमाल दो, उसने पेशगोई के तौर पर मसीह के जीव उठने का जिक्र किया कि ना वो आड़ में अरबा में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत को। आमीन। ये वही बात है जो ज़बूर नवीस ने कलमबंद की है, और उसी बात को, उसी सच्चाई को अमाल की किताब में रसूल बयान कर रहे हैं। आमीन। कि वो उसके मकदस को सड़ने ना दे। आमीन। चौथी बात, ये मुस्तकबिल में बदकारों पर
अदालत का एक सबूत है। मसीह की जो मौत है मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, आने वाले वक्त में बदकारों की अदालत का क्या है, सबूत है। अमाल 17 बाब उसकी 30 और 31 आए, अमाल 17 बाब जल्दी से। बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो राती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जिला कर ये बात सब पर साबित कर दी है। आमीन। मुर्दों में से खुदा ने किसको जिलाया? मुर्दों में से कौन जीता है? यीशु मसीह। और उसी को खुदा ने मुकर्रर किया है। कलाम लिखा है कि अदालत का सारा इख्तियार किसके पास है? यीशु मसीह के पास। तो बदकारों की भी अदालत होगी और रास्तवादों की अदालत होगी। आमीन आमीन। इसलिए फिक्रमंद नहीं होना। कलाम खुदा में लिखा है बस जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म रोमियो 8 बाब उसी का ही है। ये बात बयान की गई है, अगर आप मसीह यीशु में होंगे। ये मसीह यीशु में होने का क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं मसीह यीशु में होने का क्या मतलब है? जी आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या आप जानते हैं मसीह यीशु में होना क्या है? बस जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म है। हम सब यहां सब बैठे हैं और हम सब ये कहते होंगे कि मैं मसीह में हूं। हम सब ये कहते होंगे कि मैं मसीह में हूं। और कलाम में लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। जो मसीह का होगा उसमें से मसीह नजर आएगा। जो मसीह का होगा उसमें से मसीह नजर आएगा। मसीह ने पता क्या कहा था? मसीह ने कहा था कि जो मेरे पीछे चलना चाहे वो अपनी खुदी का सबसे पहले क्या करे और फिर क्या करे? सलीब उठाए, सलीब उठाए, और उसके बाद क्या है? मेरे पीछे। जो पीछे चलेगा वो मसीह में होगा, जो पीछे नहीं चलेगा वो मसीह में नहीं है। जो खुदी का इनकार नहीं करता वो मसीह में नहीं है। जो सलीब खाकर उसके पीछे नहीं चलता वो मसीह में। गौरतलब आते हैं यीशु मसीह की मौत और उसके जी उठने के वसीला से आपके लिए बरकत है, आपके लिए फायदे हैं, आपकी जिंदगी के लिए बरकत ही है। और वही हासिल करेगा जो मसीह में हो जाएगा, हासिल वही करेगा इन फायदों को, इन बरकात को जो उसके साथ हो जाएगा, उसमें हो जाएगा। आमीन। इसलिए मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में मसीह यीशु की मौत और उसे जीतने का बड़ा अमल दखल है। पांचवी बात, ये मसीह के रूह को उसकी नेमत और उसके लोगों के लिए तजदीद शुदा रूहानी जिंदगी, इसकी तजदीद कर दी गई है। क्या पहले ग्रंथियों 15 बाब उसकी 45 आयत देखते हैं। वो हमारा शिफायत करने वाला भी है, वो रूह को उसकी हमें देता है। और उसने अपने शागिर्दों में से कहा था कि जब तक तुम्हें कुवत का लिबास न मिले तुम ठहरे तुम क्या रहना ठहरे न। और यीशु मसीह जब जी उठा तो उसने अपने शागिर्दों को भी कहा था कि लो दुलकुस, और उसने हाँ जी पढ़े। चुनाचा लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम नफ्स बना, जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। पहला आदमी क्या था? जिंदा नफ्स। और वो आदम नाफरमान था,
नाफरमान हुआ उसी आदम की वजह से गुनाह आया, लेकिन गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। और गुनाह की कुर्बानी यीशु ने गुजरा दी, यीशु ने अपना लहू बहा दिया है, यीशु ने मुझे और आपको पाक किया है, और उस पाकीज़गी के वसीला से मुझे और आपको हमेशा की क्या मिलती है? जिंदगी मिलती है। हमें क्या मिलती है? हमेशा की। आमीन, आमीन, आमीन। फिर वो हमारा शिफायत करने वाला है, हमारा दरमियानी है, हमारा वकील है, किनका? जो उस पर तवक्कुल करते हैं, जो उसकी मौत पर ईमान रखते हैं, जो उसके जी उठने पर ईमान रखते हैं, जो उसके आमदे सानी पर ईमान रखते हैं। आमीन। उनका वो क्या है? शिफायत करने वाला है, और उनका क्या है? वो दरमियानी है। इब्रानियों का खत 7 बाब 23 से 28 तक, इब्रानियों का खत 7 बाब 23 से 28 तक पढ़े। और चूंकि मौत के सबब से कायम ना रह सकते थे, इसलिए वो तो बहुत से कायम मुकर्रर हुए, मगर चूंकि ये अब तक कायम रहने वाला है, इसलिए इसकी कहानत लाजवाब है। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं, वो उन्हें पूरी पूरी नजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। इनकी शिफायत के लिए हमेशा यीशु जिंदा है। किन के लिए जिंदा है यीशु हमेशा? किन की शिफायत को कर रहा है? वो लोग ही की गल है। इनका मतलब है कि तुम अपने आप से यीशु पे यकीन नहीं, इसलिए तुझे बोल देंगे फिर जागे सोने वाले जाग मुर्दों से जी उठ तो यीशु पर रूप तुझ पर जाते। हमें कलाम को समझने की जरूरत है। कलाम आपके अंदर से निकलना चाहिए। अरसा दराज हो गया आपको उसी में चर्चित में, आपके अंदर से कलाम निकलना चाहिए। वो आपका शिफायत करने वाला है, वो आपका दरमियानी है, वो आपका वकील है। छठी बात कि यीशु मसीह की मौत और उसका जी उठना मेरे और आपके लिए क्या है? जो हमारी मुस्तकबिल की आसमानी मीरास है, उसकी जमानत है। आपके लिए आसमानी मीरास रखी हुई है। बाप दादा बच्चों के लिए मीरास छोड़कर जाते हैं, और आपके लिए खुदा बाप ने आसमानी मीरास की जमानत दी है। पहला पत्रस वाले उसका पहला बाब 3-4 आया था। जल्दी से निकाले पहला पत्रस पहला बाब 3-4। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम लोग, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि गैर पानी और बेदाग और लाजवाब विरासत को हासिल करें। आमीन, आमीन। कैसी विरासत है? दोबारा पढ़े बेटी, आराम से पढ़े, देखें कितनी जबरदस्त मीरास है। जी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम दो, हम दो बाप और खुदा की क्या हो? हम दो। हाँ जी आगे। जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। जब हम उसी में आते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, इकरार करते हैं, ईमान रखते हैं, तो हमें जिंदा उम्मीद मिलती है। जी आगे। गैर फानी जो फना होने वाली नहीं है, दुनिया की विरासत, दुनिया का मालो दौलत, दुनिया के घर, दुनिया की जायदादें सब फिना हो जाएगी, फानी है, खत्म हो जाएगी, लेकिन आसमानी मिराज गैर फानी आगेगी। और बेदाग, बेदाग है। दुनिया की मिराज में दाग होते हैं। दाग कैसे? यह मेरा है,
ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, हम मैं करते, मेरा मेरा करते, दागदार कर देते उस मिराज को। जी आगे। और लाजवाब मिराज को हासिल करें। लाजवाब, जिस मिराज को जवाल नहीं, दुनिया की मिराज को जवाल है, लेकिन आसमानी मिराज को जवाल नहीं है। आमीन, आमीन, आमीन। आपको यीशु मसीह की मौत और उसके जीवन से कितनी जमानतें मिल रही हैं, कितने आपको फायदे हासिल हो रही है, जिंदा उम्मीद की जमानत भी है कि वो वापस आएगा, ये भी जमानत है यीशु की मौत और जी उठने की कि यीशु वापस आएगा। योहन्ना 14:3 है, जल्दी से पहला तस्नीक 4:14 है, पहला तस्नीक 4:14 है, योहन्ना के अंजील 14:3 है। अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, कितना असीम है आपका खुदा कि वो मर गया, जिंदा हुआ और आपको कह रहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। जी आगे। तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। क्या कभी आप अपने सदर के साथ जाकर रह सकते हैं? क्या कभी आपके सदर ने आपको कहा कि हम मेरे साथ आकर मेरे घर में? क्या कभी वजीर आजम ने कहा? वो भाई यहां तो बिशप पादरी दूसरे लोग नहीं कहते, लेकिन जिंदा उम्मीद है यीशु मसीह में। वो कहता है मैं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, आऊंगा ताकि तुम्हें भी साथ, जिस जगह मैं हूं तुम भी मेरे साथ वहां पर ही रहो। अब दीदनी है, उस वक्त दीदनी होगा, हम देखेंगे, रूबरू देखेंगे अपने जिंदा खुदा को, अपने मुनजीत को। और अब जो हम रोते हैं, अब जो हम आहुनारा करते हैं, हमारी आंखों से आंसू जारी होते हैं, क्या होगा? यीशु सब आंसू पहुंचते। आज दूसरा वाला पढ़े, पहला तस्नीक 4:14 याद कीजिए। जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया, और हमें यकीन है कि यीशु, आपको यकीन है कि यीशु मर गया था, कि यीशु मरा था कि नहीं मरा था? क्योंकि दुनिया के लोग कहते हैं यीशु नहीं मरा, लेकिन किताब मुकद्दस कहती है, खुदा का कलाम कहता है, लोगों की शहादतें बताती हैं कि यीशु मरा था। जी आगे। और जी उठा तो तीसरे दिन अपने कहने के मुताबिक वो क्या हुआ? हाँ जी आगे। तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। आमीन। अब जो मसीह यीशु में सो गए, पहले मैंने बात की जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में होगा और जो मसीह में सो जाएगा, कोई जी उठेगा, कोई इस्तकबाल करेगा, दूसरा कहने नहीं करना पावे, जिन्हें मर्जी कहते रहो कि यीशु आ गए तो मैं उठ के बाद कैसी दोबारा वेखे गई, कैसी दोबारा कहने कहने वेखी, सारे ने वेखे, सारे ने बाल कैसी दोबारा खेल देना, खेल देना गैस होने की वजह की होंगे हल्का होंगे कि मां कह रही है बेटा इधर ले, इधर ले, पुत्र उठ जाएगा, बेटा तेरे इतों निकल के उठ जाएगा, फटाफट फट के ना कोई चीज पानी देती, बाप बन देता, भाई बन देता, भैन बन देती, कि साढ़े को बहाना ना होगा, ऐसा ही होगा कि जो गुब्बारे तुम बन लोगे तो उठेगा नहीं, इन्हें उठेगा कि दौड़ना जो जिन्हें दौड़ना है तो उन्होंने ठीक ठाक बन दो तो दौड़ सकता है। तो यीशु जो आएगा तो गुनाहों के बोझ ना नसीब उठा सकते हैं, जिहड़ियां बेड़ियां साढ़े चिमड़ियां हुई उन्होंने नसीब उठा सकते हैं, तो फिर दावे क्यों करने जी यीशु आएगा तो आवाज उठ के सिर मार, आवाज उठ के जाना है जो यीशु ने आना है, खोखले दावे नहीं करूंगा,
अपने आप को कलाम के आईने में देखें, अपने आप को खुदा की हुजूरी में रखें कि हम कैसे उठ सकें, हम कैसे इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए हमें रूह से मामूल होना होगा, रूह में पाक जिंदगी बसर करना होगा। यीशु पाक है और पाक लोग ही ऊपर जाएगा कि नहीं जाएंगे। मुबारक है वो जो पाक दिला, कोई खुदा को नहीं देंगे कलाम लेता, मैं तो अपने पास नहीं करता। जो पाक होंगे वही देखेंगे ना, ना पाक कैसे देखेंगे, ना पाक खुदा को नहीं देखेंगे, उसके गजब को देखेंगे, उसके कहर को देखेंगे, उसकी अदालत को देखेंगे। आमीन। सातवीं और आखिरी बात, ये जिंदगी के हर दिन मसीह की हजूरी और गुनाह पर उनकी कुदरत को फराहम करती है। यीशु की मौत और उसका जी उठना जिंदगी के हर दिन में, जिंदगी के हर दिन में मसीह की हजूरी और गुनाह पर कुदरत को क्या करती है, फ्राम। गलतियों दो बात उसकी बीस आती है, बड़ी मशहूर है कि ये जबानी आनी चाहिए, मैं मसीह के साथ मसलूक हूँ, मैं मसीह के साथ मसीह के साथ मसलूक हूँ। हाँ जी, गौर तलब बात है, पालूस कहता है मैं मसीह के साथ मसलूक हूँ। क्या मैं और आप मसीह के साथ मसलूक हुए हैं कि नहीं? इसका मतलब है कि हम मसीह में नहीं है, इसका मतलब है कि हम पाक नहीं है। और अब मैं जिंदा ना रहा, वो कहता अब मैं जिंदा ना रहा, साड़ी आकड़ ही नहीं जानती, मैं नहीं जानती, मेरा नहीं जानती, कि मैं किस तरह कह सकना कि मैं मसीह से जिंदा। अगर मैं ये कहूँ कि जी मैं मसीह में जिंदा हूँ और मेरे अंदर वही मांड, वही आकड़, वही गालियां, वही लड़ाई, वही झगड़े, तो मैं कह सकता हूँ बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। वो कहता बल्कि मसीह मुझ में जिंदा, कहता मैं नहीं जिंदा, अब मसीह मुझ में जिंदा है। पालूस कहता जी, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी, अब मैं जो जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ, तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से, तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ। वो जो मसलूब हुआ किसके लिए, वो कहता मेरे लिए, मेरे लिए हुआ, मेरे लिए दफन हुआ, मेरे लिए जिंदा हुआ। और पालूस रसूल पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाप उसकी जो पहली आयात में उस इन बातों का इकरार करता है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक उसने दुख उठाया, वो किताब मुकद्दस के मुताबिक हुआ, जी उठा, वो कलाम की सच्चाइयों को बयान करता है। और अब वो ये कह रहा है कि मैं उसके साथ, अब मैं जिंदा नहीं हूं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो मसीह के हैं उनके अंदर से मसीह नजर आता है। और इसीलिए यीशु ने कहा था कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। आमीन। खत अलग आप उसमें ठारा और 18-20 आया था, जो मसीह में होते हैं वो हर दिन उसकी हजूरी का लुत्फ उठाते हैं, जो मसीह में होते हैं वो हर दिन गुनाह पर उसकी कुदरत से गालिब आते हैं, क्योंकि यीशु गालिब आया है, यीशु गालिब आया है और उसने मौत पर बलबा किया, उसने मौत का बलबला तमाशा बनाया। जी पढ़े यूं पहला बाप 18-20 आए, पहले बाप दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी विरासत के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है।
और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत की आई बेहद है, उसकी बड़ी कुवत की तरसीब के मौके जो उसने मसीह में की जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाई तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया। आमीन। आसमानी मुकामों पर कौन बैठा है? मेरा और आपका यीशु। किसलिए बैठा है? मेरी और आपकी शफाई के लिए, ताकि मैं और आप इस ईमान में जीते रहें, ईमान में बढ़ते रहें कि यीशु जीता है, यीशु जीता है, और हमने उस विरासत को हासिल करना है और जिंदगी के हर दिन में उसकी हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में, उसके साथ साथ जिंदगी बसर करना है, ताकि हम गुनाह पर क्या हूँ खाने वाले। आमीन। जिसने ये वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ, कितना मेहरबान खुदा मेरा, कितना शब्दों से भरा, रहमतों से भरा है हमारा, जो हर वक्त कहता है कि मैं तुम्हारे साथ, तुम फिक्रमंद ना हो, तुम परेशान ना हो, कहता है कि मैं गुनाह पर गालिब आया हूँ। हकीकत है कि वो गुनाह पर गालिब आया है, वो सलीब पर गालिब आया है, वो मौत पर गालिब आया है, वो हमारा जिंदा खुदा कब्र पर गालिब आया है। वो मर गया था, तीसरे दिन मुर्दों में से उठ चुका, और ये खुशखबरी जब उन औरतों को मिली तो उन्होंने जाकर वो खुशखबरी सुनाई। आज आपको खुशखबरी मिली है, आप भी जाकर लोगों को बताएं, खानदान को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, दुनिया को बताएं, कौमों को बताएं, उम्मतों को बताएं कि यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, उसकी कब्र खाली है। दुनिया के माबूद जो मर चुके हैं आज भी कब्रों के अंदर हैं, क्योंकि वो मट्टी हैं और मट्टी मट्टी के साथ वहां पर ही है, लेकिन जिंदा खुदावंद का बेटा यीशु मसीह, हमारा बादशाह, हमारा मुनजी आसमानी था, वो आसमान से आया था, वो जमीनी नहीं था कि फना हो जाता, वो रूह था लेकिन जिस्म में आया था, रूह था जिस्म में पैदा हुआ था, मुझे और आपको बचाने के लिए, मेरी जान का कफारा देने का देने के लिए आया था, आपकी जानों का कफारा देने के लिए आया था, माजी के लोगों के गुनाहों का कफारा देने के लिए आया था, मुस्तकबिल के लोगों के गुनाहों का कफारा देने के लिए वो आया था। आमीन। वो जीता है, इस ईमान के साथ, इस खुशखबरी के साथ जाएं और हमेशा अपने खुदा में रहें, मसीह में रहें, मसीह में रहें और अपने गुनाहों का इकरार करते रहें। आज भी मुझे और आपको गुनाहों का इकरार करने की, आज भी मुझे और आपको माफी मांगने की जरूरत है। माफ करता है मेरा खुदा, खुदा खुदा माफ करता है। उसने और से भी कहा जा फिर गुनाह ना करना, उस मफलूज को भी उसने कहा जा बेटा तेरे गुनाह माफ। और कलाम ने कहकर खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। अगर आपने अब तक हकीकी तौबा नहीं की तो आज आपके पास मौका है कि आप मसीह मसरूक को, आप खुदा यीशु को अपना शख्सी निजातदा मान लें, क्योंकि उसने आपकी जानों का फिदिया दिया है, उसने आपका कफारा दे दिया है, उसने आपके लिए बेऐब पाक खून बहा दिया है। अब आपको उसके हजूर आने की जरूरत है, नए सिर से पैदा होने की जरूरत है, नया मखलूक बनने की जरूरत है। अगले हफ्ते में हम बपतिस्मे देंगे, तो जो बहन भाई बच्चे तैयार हैं वो अपने अपने नाम इस शमशाना पर लिखा दें, ताकि हम बपतिस्मे दे सकें। आप सबको बरकत दें। आमीन।